दिसंबर महीने में संभावित पंचायत चुनाव एक बार फिर टला। चुनाव टालने के पीछे वजह सुनकर आप दंग रह जाएंगे। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दिसंबर 2020 में होना था। सरकार पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को एक्सटेंशन देकर काम चला रही है। राज्य सरकार की ओर से पंचायत और नगर निकाय चुनाव टालने पर राज्य निर्वाचन आयोग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जनवरी के प्रथम सप्ताह तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई तो राज्य निर्वाचन आयोग को नए सिरे से मतदाता सूची पर काम करना होगा। काफी जद्दोजहद के बाद इस वर्ष दिसंबर महीने में संभावित पंचायत चुनाव एक बार फिर टल गया है। इसको लेकर पंचायती राज मंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम और योजनाओं की शुरुआत को देखते हुए सरकार ने फिलहाल चुनाव टालने का निर्णय लिया है। रांची राज्य में गांव की सरकार एक्सटेंशन पर है। काफी जद्दोजहद के बाद इस वर्ष दिसंबर महीने में संभावित पंचायत चुनाव एक बार फिर टल गया है। राज्य सरकार की हरी झंडी नहीं मिलने की वजह से राज्य निर्वाचन आयोग की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने स्पष्ट कर दिया है कि दिसंबर में संभावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव फिलहाल नहीं होने वाले हैं। चुनाव टालने के पीछे की वजह आप सुनकर दंग रह जाएंगे। दरअसल सरकार ने पंचायत और नगर निकाय चुनाव से पहले जनता के बीच कार्य कर अपनी छवि बनाना अधिक उचित समझा है। इस वजह से राज्य स्थापना दिवस और हेमंत सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम और योजनाओं की शुरुआत को देखते हुए सरकार ने चुनाव टालने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार की ओर से पंचायत और नगर निकाय चुनाव टालने पर राज्य निर्वाचन आयोग की मुश्किलें नो डाउट बढ़ गई हैं। चुनाव तैयारी पूरी कर चुका है राज्य निर्वाचन आयोग को एन वक्त पर टालने का फैसला किसी झटके से कम नहीं है। जनवरी के प्रथम सप्ताह तक चुनाव की घोषणा नहीं की जाती है तो राज्य निर्वाचन आयोग को नए सिरे से मतदाता सूची का विखंडन करना होगा। प्रावधान के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग की ओर से हर वर्ष जनवरी के प्रथम सप्ताह में जारी नए वोटर लिस्ट को ही आधार मानकर चुनाव संपन्न कराती है। भारत निर्वाचन आयोग अपने तय समय के अनुसार इन दिनों मतदाता सूची पुनरीक्षण करा रही है, जिसका प्रकाशन हर वर्ष की तरह 2022 के जनवरी प्रथम सप्ताह में हो रहा है। नई मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को इसी बिहाफ पर मतदान केंद्रों को गठन कर नए सिरे से कराना होगा, जिसमें प्रावधान के अनुसार अधिकतम 500 मतदाता होते हैं। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दिसंबर 2020 में होना था, यानी तकरीबन 1 साल पहले होना था। पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली नहीं होना वजह बना, फिर कोरोना के कारण चुनाव लटकता चला गया। ऐसे में सरकार ने पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अब तक 2 बार एक्सटेंशन देकर किसी तरह काम चला रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।